चुके हैं हम वापस, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में खाना भी हो गया, हंसाना भी हो गया, और अब रुलाना नहीं है। बेसिकली हम हमारे जो हम टीवी का ड्रामा है बेपनाह, उनकी कास्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा होगा कल पहली एपिसोड इसकी ऑन एयर भी हो गई। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, एनी रिव्यू एनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसकी कास्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं खाकान शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। एंड देन वी हैव कमल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव राइद आलम। जी बिल्कुल सही, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सही नाम प्रोनाउंस किया आपको मैंने। जी बिल्कुल। ऑल राइट, शाहनवाज आपसे स्टार्ट करते हैं, कि खाकान शाहनवाज आपसे स्टार्ट करते हैं, है ना? आपका मतलब कुछ और रहता था आपके नाम में? कुछ रहता है, चौधरी चौधरी खाकान शाहनवाज इज माय फुल नेम। ओह माय गॉड, ओके। नहीं इतना लंबा भी नहीं है। किन्होंने रखा आपका नाम, पहले तो बताएं किन्होंने? सर अक्सर माँ बाप रखते हैं ना, उन्होंने रखा मेरा। माँ बाप ने रखा है? या या मिलके सबने रखा था, इतना ही लंबा हो गया। हाँ, सबने का, मैं भी हिस्सा डाला थोड़ा थोड़ा, बट या माय पेरेंट्स नेम। ओके ओके। अच्छा, सो बेपनाह जो ड्रामा है उसमें आपका क्या रोल है? उसमें मेरा रोल है नोफिल का, और बड़ा अच्छा रोल है, और आई एम द गाय हु गेट्स हिज हार्ट ब्रोकन। बेसिकली रोने को मिलेगा आपको? जी रोएंगे, मिलेगा। आप ऐसे करिए जिस तरह कोई खजाने का नाम है रोना। एक्टिंग दिखती है ना भाई, एक्टिंग का। ओह अच्छा, मौका मिलता है टू एक्सप्रेस माय लाइक फुल एक्टिंग कैपेसिटी। इसका एक रोने का सीन था ना, इसने पूरी ग्लिसरीन इतनी ज्यादा डाल दी आंखों के अंदर कि आंखें ही नहीं खुलनी थी। तो फिर इनको पता चला कि थोड़े से भी काम हो जाता है, इससे काम हो जाता है। मैंने ये माशाल्लाह बड़ी वेटर एक्टिंग मैं चाहती रहती हूं। ये आपका फर्स्ट था? Kind of my first. Kind like of this is the first that's on air. And Sadaf, आपका कौन सा वाला drama? जी Sadaf बताएं। नहीं नहीं। बताइए। Sorry कमल, नाम से sorry कमल। मैंने तो हम टीवी के साथ दो तीन ड्रामास किए हैं पहले भी। ओके, सो इसमें आपका क्या कैरेक्टर? इसमें मेरा कैरेक्टर है गुल का। गुल एक घर के काम करने वाली सिंपल सी लड़की दिखाई है, लेकिन उसको एक मोहब्बत होती है अपने कजन से। वो कह नहीं पाती है, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाती है। हमारा फर्स्ट ड्रामा जो ऑनियर हो गया, फर्स्ट एपिसोड जो ऑनियर हो गया है, उसके अंदर ये चीज़ शो की है कि मतलब उसको एक तरफा मोहब्बत है अपने कज़न से, लेकिन वो देखती है कि उसको जिससे मोहब्बत है वो उसके साथ बड़ा अच्छा है। सो वो खामोश रहती है, और वो अपनी फीलिंग्स सारी अपनी डायरीज के साथ शेयर करती है, और अपनी अम्मी के साथ। आप ड्रामा देखेंगे और आप बताएंगे कि कौन सही था। घर में आके क्या करती हूँ मैं तुम्हारे? तुम मेरे घर में आते रहते हो। ये तो आई थिंक दोस्त है, हम दोस्त हैं। राइट, आप बताएं कजिन्स है यानी किसको? पक्का पता है मुझे, पक्का पता है, मैं बता रही हूँ आपको भी पता है। अच्छा, मुझे गलती है फिर शायद, आई डोंट नो। लेकिन दो वर्सेस वन ना। हां ये भी एक है पॉइंट देना हमारा, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी फॉर नाउ। अच्छा राइट, आपका क्या इसमें कैरेक्टर? मेरे कैरेक्टर का नाम जो है इसमें वो जिब्रान है, और बेसिकली स्ट्रांग कैरेक्टर है। तीन उसके शेड्स बहुत हैं, और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। यानी आपको इस कैरेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिफरेंट शेड देखने को मिलेंगी। ये अच्छा बुरा जो आप कह रहे हैं मुझे, अच्छी बड़ी अच्छी मुझे बात लगी। बिकॉज यूजुअली जब हम लाइक एक एरा आया था उसमें ड्रामे में बस एक वो विलन है और एक अच्छा वाला है और एक बुरा वाला है, यू नो एज ह्यूमन बींग जो नेचुरल है कि अच्छा भी है बुरा भी है, सब मिक्स है, राइट? अच्छा, कौन किससे जल रहा है ड्रामे में, ये कौन सारा मसला कौन क्रिएट कर रहा है आप तीनों में? मुझे लगता है कि जो हमारा एक कैरेक्टर अभी मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि उनकी शायद शी वाज नॉट फीलिंग वेल, इशल। हाँ, इशल तो इशल जो है वो थोड़ा सा इनसिक्योर होती है, क्योंकि आप देखिए एक हमारा जो टीजर चला था उसके अंदर भी ये था कि मेरी खुशियाँ मेरी हैं। हाँ, उसका कैरेक्टर नेम रुशना है। ठीक, तो वो हमारा एक टीजर चला था, नाम पकड़ के बैठने वाले इंसान ये हैं जी। तो फिर उसके बाद उसमें चला था कि मेरी खुशियाँ मेरी हैं लेकिन मैं तुम्हारी खुशियाँ भी सारी छीन लूँगी। तो लाइक अब आपका जो वो क्वेश्चन था, मैंने कहा इस तरीके से आंसर हो सकता है कि वो जो हमारा टीजर है उसमें बताया हुआ है कि शी वॉज द वन जो कि सारा किया था उसने सब कुछ। ओके, सो बेसिकली क्या प्ले की जो बेसिक एक स्टोरी लाइन है, क्या वो हसद के बारे में है, जेलसी के बारे में है, कुछ और कुछ
बेशक पूरा ना बताएं, स्पॉइलर्स ना दें, लेकिन थोड़ा सा कुछ बेस बता दें कि कौन कैसे आप इससे रिलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान इससे रिलेट कर सकते हैं, इसमें इसमें जो है वो ट्रेजेडी भी है, ड्रामा भी है, इमोशंस भी हैं, रोमांटिक मोड भी दिखाया हुआ है, मियाँ बीवी के जो आपस के ताल्लुकात हैं वो भी दिखाए हुए हैं कि कितने के प्यार से आपस में रहते हैं या झगड़े जो होते हैं, और वैसे फैमिली के अंदर भी दिखाया हुआ है कि क्या बात है। तो इट हैज़ एवरीथिंग, जो ये 12 मसाले डाल के बना हुआ ड्रामा है, तो इस सब सब हर कोई इससे रिलेट कर सकता है। ओके ओके, वेरी नाइस। थोड़ा सा BTS के बारे में भी पूछते हैं कि सेट पे आप तीनों में से सबसे ज़्यादा जो है ना वो फनी कौन है, जो कहता है कि हाँ हाँ एक्टिंग होती रहेगी बट चिल फनी। और BTS बनाना, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग का जो सेट है ना आइकॉनिक होगा कि इसमें कोई भी BTS नहीं बनाता। Nobody. इतने सीरियस से काम के बारे में सारे करते हैं, जो वेट कर रहे होते हैं। I am a method actor. Ever since I've signed this role, मैं तो आता हूँ सेट पे रोता हुआ, ग्लिसरीन की भी नहीं जरूरत, रोता हुआ आता हूँ, रोता हुआ जाता हूँ। किसी को नहीं कहता, यही तो उसका विचार है की BTS क्यों नहीं बन रहा। झूठ बोल रहा है, कोई रोता बोता बोता नहीं आता है, बट उनका सवाल लेट बहुत आते हैं, ये बात हकीकत है, लेकिन ये रोते हुए नहीं आते। चलो खैर, उनका सवाल ये था, उनका सवाल था की कौन ज्यादा फनी है, जो एक्टिंग नहीं करता, कौन ज्यादा मतलब यू नो लाइक थोड़ा चिल करके काम करता है। हमारे डायरेक्टर सबसे ज़्यादा चिल हैं और उनका होमवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही उनको किसी किसी को किसी टेंशन नहीं लेते, आते हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे इस सीन में क्या करना है, कौन सा मास्टर लेना है, कौन सा क्लोज लेना है, और वो अपना काम खामोशी करके साइड पे जाते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि खाने में सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है, या पिकी, नॉट तंग बट पिकी कौन है कि बस ये हो, इतना हो और ऐसा हो, क्योंकि एक्टर्स ऑफ कोर्स लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ये करता है यार, ये तो अल्लाह में की गाय है, जो भी मिलता है खा लेते हैं। लेकिन राय ने जो बॉडी बनाई हुई है ना, मैं आपको बात बताती हूँ, वो ये कोशिश ये करते हैं कि मैं चेंज जो नहीं है वो मैं कोशिश करूं कि मैं अक्सर सबके सामने करूं, बिकॉज उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी बॉडी शॉडी बनाई हुई है, बड़ी इंप्रेसिव। खाने में ये तो तंग करता है। खाने से मुझे याद आया कि अभी मैं जब स्टूडियो में एंटर हो रहा था तो खाने बाहर जा रहे थे, बिल्कुल तो बने खाने, बने 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 थे खाने, अली गुलपीर ने खा लिए। अच्छा, तो हमारे सामने क्यों नहीं रखे? क्योंकि वो अली गुलपीर की उन पे नजर थी। बट शेखुपुरा से हमारे साथ कॉल भी उनसे बात करती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल आ गई है। कॉल ड्रॉप हो गई, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पहले पता नहीं था। बिल्कुल, फोन अ फ्रेंड कर सकता हूँ। बिल्कुल, कॉल अ फ्रेंड। आप क्या, अच्छा फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहते कि आप कोई भी ड्रामा से रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहे आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से, कौन आप चाहते हैं कि दे? अभी तक मुझे सारी फैमिली ने दे चुके हैं फीडबैक। क्या क्या फीडबैक मिला ये बताएं, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर गई है तो बहुत चीजें सुनने को मिली। मुझे सबसे पहले तो कॉल आई मेरी अम्मा की, मेरी मामा की। मेरी मामा मुझे फोन करके कहती है कि जो कवल खान है ना, तुम्हारे उससे बच के रहना। कवल, उन्होंने मेरी तारीफ की, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी आ रही है। उन्हें तो पता नहीं तुम्हारा ऑपोजिट बता रहा है ये, उन्हें पता नहीं तुम्हारा नहीं, गुल बोला उन्हें, बच के गुल गुल से बच के रहना, रियल वाला हसन आ रहा है, रुशना से भी बच के रहना, तुम इतने हमारे अच्छे नन्हे लाडले बच्चे हो, दो लड़कियों से बच के रहना। इसने मुझे कल फीडबैक्स में उसमें कहीं अल्लाह की कसम कहीं नहीं बताया। सही है, सही है, ये मैं लड़कियों से बच के रहना, लड़कों से गरीब रहना। जब ये बोला मेरा नन्ना सा बेटा है तो नन्ने को पूरा बताना था ना, है ना। अच्छा, अब रायत के जो है वो घर वालों ने क्या कहा, रायत के फैमिली मेंबर्स ने, दोस्तों ने क्या कहा, हम आप इनसे पूछेंगे। ऑलराइट, हम आ चुके हैं वापस ब्रेकफास्ट शो में। बेपनाह जो सीरीज है उसकी कास्ट यहाँ पे आई हुई है और रायत को कोई बोलने नहीं दे रहा, तो राय मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपको क्या फीडबैक मिला अभी तक जो एक एपिसोड आई है, किस किस का क्या क्या फीडबैक? फीडबैक एक्चुअली तो आज से मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन प्रोमो के फीडबैक्स मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं और लोगों ने पसंद किया है, चीज़ें वीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि हम टीवी भी काफ़ी इससे लगा के बैठा हुआ है कि हम टीवी को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और ये हिट होगा।
अल्लाह करे हिट हो, बिल्कुल। लेकिन मुझे अभी तक तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो मुझे आज पता चलेगा कि इसके फीडबैक्स मुझे कैसे कौन बताएगा। आज कोई ट्रैवल कर रहा है जो वापस यहाँ आएगा? नहीं, एक्चुअली कल रात को ऑन एयर हुआ है और रात में तकरीबन 9:30-10 बजे यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुआ है, तो फीडबैक रात में लोग इतना देखते नहीं है, तो दिन से लोग देखना ज्यादा स्टार्ट करते हैं जब ब्रेक होता है, ऑफिस के बीच में ब्रेक आता है, नमाज के ब्रेक होते हैं, तो उसमें लोग ज्यादा देखना शुरू करते हैं, तो देखते हैं रात तक क्या होता है। अच्छा ही आएगा। और मुझे ये बताएं कवल कि सेट पे कोई ऐसा मजे का वाकया या कोई ऐसा कोई ब्लंडर हो गया हो किसी से, क्योंकि इतना टाइम हो गया आप लोगों को, कितने टाइम से आप लोग कर रहे हैं शूट ड्रामे के लिए? सही इन्होंने कहा 40-45 days तो आई गेस हो गए हम लोग, मोर देन 45 days हो गए होंगे काम करते। तो कोई ऐसा फन वाकया या कोई ऐसा ब्लंडर जो शेयर करना चाहेंगे? फन आई गेस ब्लंडर तो कोई भी नहीं हुआ हमारे सेट पे, बट फन मूवमेंट वही होता है जब हम एक तो हमारे जो डायरेक्टर हमारी DOP है ना, उनके आपस में बहुत अच्छी केमिस्ट्री मैच होती है, तो वो एक दूसरे पे जो कमेंट पास करते हैं ना वो हमारे लिए बड़ा फनी होता है। तो वो बड़ा माहौल बना के रखता है सेट का, हम लोग सब एनर्जेटिक रहते हैं। बाकी एज सच तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा फनी, आई गेस खाकान फनी, फनी खाकान कुछ फनी शेयर करना चाहेंगे? जो सेट के ऊपर फनी चीजें हुई हैं उनमें से आई थिंक जोई ने कुछ कहा था और उसके बाद एलिवेटर से उसको आई होप नो। अच्छा भाई, खाकान की एक दिल की ख्वाहिश है कि उनको एक कॉल अटेंड करनी है, सही है? तो जब तक कॉल है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, हमारे साथ कौन मौजूद है? सना फ्रॉम शेखुपुरा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? मैं ठीक हूँ, मैं आपका शो देख रही थी, आपका शो बहुत अच्छा है, न्यू सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, और जो एक्टर आई है कवल मुझे बहुत पसंद है ये। तो थैंक यू, इनमें से किसी से बात करना चाहेंगी? थैंक यू सो मच सना जी, मैं कवल से बात करना चाहूंगी, मैं इसका ड्रामा बहुत शौक से देखती हूँ, हम टीवी पे और जियो पे भी। थैंक यू सो मच सना, कैसी हैं आप? मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। कैसी हैं? आपका ड्रामा गुड्डू चल रहा है ना, मैं वो देख रही हूँ। और थैंक यू, थैंक यू। आई होप कि आप समझ गए होंगी कि मैंने वो सब क्यों किया गुड्डू के अंदर, वो सब राइटर ने स्क्रिप्ट में लिखा और यहाँ से बात करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सना आपको पंजाबी बोलनी आती है? जी पंजाबी बोलनी आती है। हाँ तो थोड़ा पंजाबी भरा बैठे थे, तुसी ओदे नाल नहीं गल कीती, कवल नाल गल कर ली तुसी? आपको दे देंगे शो के बाद, आप प्राइवेट में से बात करते रहिएगा अपने भाई से। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये होता है तारीफ को निकलवाना जबरदस्ती, तो ये सीरीज में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल। मतलब यही कैरेक्टर है आपका? नहीं, कैरेक्टर ये नहीं है, ये असल कैरेक्टर, ये मेरा रियल लाइफ कैरेक्टर है। ओके, रियल लाइफ पर्सोना है मेरा। अच्छा, ये ड्रामे में ये ऐसे कौन करता है कि भाई मैं वो बस यही करता है, ये मैं हूँ बस, क्योंकि मुझे लगता है मेरी तारीफें डायरेक्टर कर देते हैं काफी, तो मुझे नहीं करने की जरूरत। सामने वाला जब तारीफ करता तो फिर आपको पता चलता है आपने कुछ किया ना। अच्छा राइट, आप जैसे ये लोग अब जैसे यू नो लाइक हल्ला गुल्ला हंसी मजाक, तो आप सेट पे थोड़ी खामोश तबीयत आते हैं? नहीं, ये बहुत गॉसिप करता है राइट। कोई गॉसिप बताएं हमें, ऐसी जो हम बता सकते हैं, कोई गॉसिप बताएं मतलब ऐसे जैसे हमारे म्यूचुअल्स होते हैं कोई, तो हम लोग जब साथ मिलते हैं, क्योंकि मेरा और राइट का इंटरेक्शन इतना है नहीं या बिल्कुल भी नहीं है शायद इसमें, इस ड्रामे में, लेकिन हम लोग ने पहले काम किया वैसे साथ में, तो जो हमारे म्यूचुअल फिर होते हैं फ्रेंड्स, तो उनके बारे में अगर हम कुछ बात करनी थी तो फिर हम लोग बैठ जाते हैं और फिर जो हमारी शुरू होती है बातें, तो फिर उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम जब मैं इन लोग के सेट पर आया था, बेसिकली दो फैमिलीज दिखाई है ना, दो अलग अलग साइड्स दिखाई हैं, दो कहानियाँ दो अलग अलग चल रही हैं, तो पहले दिन मैं आया तो इनके सेट पर काफ़ी सारे लोग हैं, तो मुझे हर बंदा दिख रहा है, मैंने कहा ये भी अच्छा, ये तो उस सेट पर भी, ये तो उस सेट पर भी है। अब मुझे खाकान दिखा, खाकान बेचारा एक जगह था, सुबह बैठा हुआ था, दोपहर तक वहीं बैठा रहा। मैंने कहा कमल से, कमल ये कैसे बैठ जाता है एक जगह चार चार घंटे, कैसे क्या करते हैं? वो वजह ये है कि मैं लाहौर से आया हूँ,
तो मैं कराची से अकस्टम्ड नहीं हूँ, तो मैं कहता हूँ एक जगह टिक के बैठे रहो, पता कोई नहीं कब क्या हो जाए, तो मैं एक जगह बैठा रहता हूँ। ये तो उल्टा होता है, ये तो करा मजाक। आप क्यों नहीं जोक समझते यार? हम तो समझ गए भैया, मैं एक जगह इसलिए बैठा रहता हूं बिकॉज़ अरे वो वेरी लेजी गाय, मैं बहुत लेजी हूं। मैं एक जगह बैठूंगा, फोन यूज करूंगा या गेम खेलता रहूंगा, मेरे पास निंटेंडो स्विच है, मैं वो खेलता रहता हूं, और इसलिए मैं बैठा हूं। निंटेंडो स्विच इज द आंसर टू दैट सस्पेंस, दैट थ्योरी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच गाइस, और बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपका ये ड्रामा बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करे एंड आप लोग टू योर बेस्ट परफॉर्म करें और हम सब देखें और एंजॉय करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट जनाब। अब टाइम हुआ है आपसे इजाज़त चाहने का इस वादे के साथ कि हम आपसे मिलेंगे कल के दिन एक नए टॉपिक के साथ, नई रेसिपी के साथ, बहुत सारी फन फन सी चीज़ों के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।